ये इतना क्रूशियल रूल है कि आपकी स्टडी को काफी प्रोडक्टिव कर सकता है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी को, हर जगह एप्लीकेबल है। और 4R रूल को मैं फुली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दिस साइड एमल आलम खटक, और हमेशा से एक ही एम रहा है कि आप सबके प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में 4R रूल पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगी, इसको आपने अच्छे से समझना है। पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो करवा दूँ कि 4R से मेरी मुराद क्या है। 4R, फर्स्ट R से रीड, फिर आता है रिकॉर्ड, फिर रिसाइट, फिर रिव्यू। तो स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीज़ों को मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा कि दरअसल में मेरा मतलब क्या है इससे। सो स्टेप नंबर 1 है रीड। अब रीड से मुराद है कि थोरो रीडिंग करनी है, चाहे आपके टेक्स्ट बुक है, नोट्स मटेरियल है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, आपने थोरो रीड करना है कि राइटर जो जिसने लिखा है, कुछ भी नोट्स लिखे हैं, टेक्स्ट बुक है, वो आपसे दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। पहले आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसके बाद से मैं उसकी यानी सरफेस स्टडी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। सरफेस स्टडी होती है बस आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आपको ना कुछ समझ आई है, थोड़ा बहुत समझा, वो सब बिल्कुल नहीं करना। थोरो रीड करना है, पूरा समझना है टॉपिक को और एक्टिवली इंगेज होना है, हाईलाइटिंग करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आए उसको उसी टाइम हाईलाइट करते रहना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास आता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या करना है, आपने टॉपिक को समझा, अब इसको एक्टिवली रिकॉर्ड करना है, नोट्स बनाने मेरा मुराद है। नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, आजकल तो मॉडर्नाइज हो रहा है तो लोग आईपैड उधर भी अपने नोट्स बनाते हैं, मोबाइल पे नोट्स बनाते हैं, तो जो आपको ईजी लगता है आपकी प्रैक्टिस है आप उधर नोट्स बनाए। लेकिन नोट्स की हमेशा याद रख के ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाए, ताकि जब एंड पे आप रिविजन करो नोट्स से तो आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिले। उसमें आप हेडिंग बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बनाते हो, आप बुलेट्स पॉइंट्स लगाते हो, क्योंकि शॉर्ट एक पैराग्राफ है उसमें आपने एक इंपॉर्टेंट लाइन को अपने नोट्स में बुलेट्स में लिख लिया, जिससे वो पूरा पैराग्राफ पूरा टॉपिक समराइज हो जाता है। तो आपने उस जो समझा है थोरो रीडिंग के बाद उसको रिकॉर्ड भी करना है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास आता है रिसाइट। रिसाइट से मेरी मुराद है आपने सब कुछ पढ़ा, आपने रिकॉर्ड कर लिया, याद कर लिया, सही है। आप उसको आप समझोगे कब कि आपको याद हुआ है, सारा समझ आ गया, किस तरह पता चलेगा। तो रिसाइट से स्टेप नंबर 3 उस चीज को टारगेट करता है। करना क्या आपने, आपने बुक को रीड किया, नोट्स बनाए, याद किया, आपने बुक बंद कर ली, रिसाइट करना है। जो टॉपिक जो चीज आपने पढ़ी है उसके ऊंची ऊंचे यानी आवाज में आप कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आप बोलते हो वो आप सुनते भी हो, तो दोनों तरह से आपका रिवीजन होता रहता है। वो रिसाइट इसका मतलब यही है। तो जब आप उसको लाउडली बोलते हो बुक बंद है, तो आप अगर कहीं रोकते हो तो आपको वहां पता चल जाता है कि मेरी इस टॉपिक में ये वीकनेसेस है, तो उसी टाइम दोबारा बुक ओपन किया, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ा जो आपके वीक पॉइंट से, फिर क्लोज किया, फिर रिसाइट किया। एट द एंड 2-3 दफा करोगे तो वो टॉपिक आप रट लोगे एकदम फिट, यानी आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा आप वहां पे रुकोगे नहीं उस टाइम पे। सो स्टेप नंबर 4 हमारे पास आता है रिव्यू। रिव्यू से मेरी मुराद है यानी रिवीजन करना है। अभी एक चीज मैंने याद कर ली, अभी मैं अगर बैठ के पढ़ूं तो 1 घंटे में मैंने जितना पढ़ा वो मुझे याद हो गया, फर्ज करो याद हो गया। अब मुझे किस तरह पता चलेगा 2 दिन बाद मुझे याद रहता है कि नहीं, तो उसके लिए आपको वीकली बेसिस पे फिक्स टाइम रखना होता है, डेडिकेटेड रह के, कि आज मैंने जो पढ़ा है उसको मैं 3 दिन बाद रिवाइज करूंगा, फिर 3 दिन तक मैंने जो पढ़ा उसको अगले 3 दिन बाद रिवाइज करूंगा, इसीलिए 3-4 दिन बाद हमेशा रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक्टिवली वो जो माइंड होगा उसमें वो सारा मटेरियल रिफ्रेश होता जाएगा, रीइंफोर्स होता जाएगा। बार बार माइंड में एक ही चीज जब जाएगी तो वो उसको उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट करना अपने माइंड में, सही है। मेमोरी जब आपकी रीइंफोर्स होगी तो वो इतनी रिटेंशन उसकी ज्यादा होगी, तो बार बार इसको रीइंफोर्स करना है। जितनी ज्यादा रिविजन कर सकते हो उतना आपके लिए फायदा है, तो हमेशा डेडिकेटेड टाइम रखा करें अपने टाइम टेबल में रिविजन के लिए लाजमी। सो ये थे 4 सिंपल स्टेप, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ हर एक टॉपिक पे अप्लाई करना है, हर एक टॉपिक के साथ ये करना है। ऐसा नहीं एक टॉपिक पे आज अप्लाई किया फिर बाकी टॉपिक्स किया, ना आपने रिवीजन की कुछ भी नहीं किया, फिर कोई फायदा नहीं है इसको, ना मेरी वीडियो बनाने का फायदा है, ना आपके पढ़ने का फायदा है। इसको आपने एक्टिवली हर टॉपिक पे अप्लाई करना है, आज से अप्लाई करना है, और मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं अगर हर टॉपिक पे आप यही सिस्टमेटिक वे में चलोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, तो 1 महीने बाद आप अपना प्रोग्रेस कंपेयर कर सकते हो, आपको लाजमी फायदा होगा। आई होप इससे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, और मैं रिकमेंड करूंगा इसे अभी अप्लाई करो। साथ ही साथ ये भी कहूंगा आप कमेंट में जो आपके प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसको बताओ, ताकि मैं फ्यूचर वीडियो उसी एरिया को टारगेट करूं। और मैं रिकमेंड करूंगा आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स है आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप पर मेंटरशिप ग्रुप भी है। अगर आप चाहते हो उधर स्टूडेंट्स के साथ अटैच होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।